DSSSB का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो आपको नौकरी देकर जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा था कि PRT, TGT, PGT, DSSSB के एग्जाम के लिए आपको कोई भी कोर्स नहीं लेना है। और ये मेरी पहली वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब की बार जो वैकेंसी आएंगी उसमें PRT का एग्जाम कैसे होगा। आप लोग सीटेट को पास करके बैठे हैं, आप एक भीड़ से हटकर अपने आप को अलग कर चुके हैं, लेकिन अब जो मुकाबला होगा आपका वो दूसरों के साथ होगा। अब तक आपका मुकाबला आपके साथ था, 90 नंबर या उससे ज्यादा आपने लिए, लेकिन अब जो मुकाबला होगा वो आपका दूसरे लोगों के साथ होगा। तो अब दोस्त आप लोगों को कोचिंग सेंटर्स के जाल में नहीं फंसना है। पिछली बार की बातों को स्टूडेंट्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि ये जो एग्जाम होते हैं ये काफी टाइम के बाद होते हैं। पिछली बार जितने भी एग्जाम्स कोचिंग सेंटर या जिसने एक तरीके की तैयारी की थी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि NIOS और जो दूसरा पार्ट है उसने कैसे खेल को बदला वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और दोस्त ये जो मैं प्लान आपको बताऊंगा इसमें मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे आप, कि सीटेट को पास करने के बाद अब जो एक मौका आएगा उसमें झपट्टा कैसे मारना है। DSSSB का एग्जाम 2021 में जब होगा तो पार्ट 1 के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी जिसके अंदर 100 मार्क्स होंगे और पार्ट 2 के 100 मार्क्स कौन से होंगे, तुम्हें ध्यान में रख के ये चीजें मैं बना रहा हूं दोस्त। एक भी पैसा आपको खर्च नहीं करना है, किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे वो भी आपसे डिस्कस करूंगा दोस्त। जब पिछली बार वैकेंसीज निकली थी तो उसके बाद NIOS को मैंने इस तरीके से स्टूडेंट्स को कराया था कि 2 साल पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने DSSSB का एग्जाम जो है पास किया। दोस्त आज की ये वीडियो आपके लिए है, इस पूरी वीडियो में हम DSSSB PRT के एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि ये एग्जाम कैसे होता है, इस एग्जाम के अंदर सीटेट से अलग चीजें कौन सी आती हैं, आपका रवैया कौन सा होनी चाहिए, बुक्स कौन सी होनी चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए और वो सभी बातें जो आपको जानना जरूरी है। मेरा नाम विप्लव सिंह है, 3 साल पहले ये चैनल बैक टू स्कूल शुरू किया था। DSSSB PRT एग्जाम में पहला हमारा चैनल था जिसने स्टूडेंट्स की हेल्प की और हमारी हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम को क्लियर किया और वो सेम स्टोरी हम अब की बार रिपीट करने वाले हैं। लेकिन अब की बार मेरे एफर्ट्स दुगने होंगे। ये जो हमने निर्णय लिया है ना कि बिना कोचिंग के आपको मैं क्लियर कराऊंगा और आपके दम पर क्लियर कराऊंगा, तो उसके लिए एफर्ट्स मैं आप लोगों से मांगता हूं और मुझे बिल्कुल यकीन है कि आप लोग रेडी हैं। रेडी हो शुरू करूं तो लाइक का बटन दबाओ और नीचे चैट बॉक्स में लिखो आर यू विद मी। देखिए सीटेट के एग्जाम में 90 नंबर आते हैं लेकिन इस एग्जाम में 200 मार्क्स आते हैं, 200 मार्क्स और एक तरफ 90 मार्क्स, वो आप अपने से लड़के लेके आए हैं कि मुझे बस 90 मार्क्स स्कोर करने, लेकिन इसमें 90 का कोई लेना देना नहीं है। आपको पार्ट 1 के अंदर 100 में से भी मैक्सिमम स्कोर करना है और पार्ट 2 के अंदर भी मैक्सिमम स्कोर करना है। इस पूरे एग्जाम के अंदर 200 मार्क्स होते हैं और 200 मार्क्स को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है दोस्त वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले पार्ट के अंदर 5 सब्जेक्ट होते हैं, पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश का, दूसरा हिंदी का, तीसरा जीके का, इसके अंदर करंट अफेयर्स भी पूछ लिए जाते हैं, चौथा मैथ्स का और पांचवा रीजनिंग का। अब इन पांचों के 20-20 नंबर आप काउंट कर लो, 20 × 5 = 100, यानी कि इन पांचों सब्जेक्ट की वैल्यू 20-20 नंबर की होती है और ये 100 मार्क्स के आते हैं। दोस्त जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देते हैं जो ये पार्ट 1 होता है उसमें कॉम्पिटिशन रहता है नेक टू नेक। मान लीजिए 100% स्टूडेंट बैठे, उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 19-20 इस पार्ट 1 में रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो निकाल कर लेकर जाते हैं उनका स्ट्रॉन्ग होता है पार्ट 2। अब पार्ट 2 ये कैसे अलग है दोस्त, पार्ट 2 के अंदर इसमें 100 नंबर है और ये 100 नंबर पैडागोजी और साइकोलॉजी के अंदर डिवाइडेड है। अब यहां पर आपसे गलती क्या होती है कि आप सोचते हैं ये पैडागोजी सब्जेक्ट पैडागोजी नहीं है। दोस्त आप ये लगा के चलो कि जो साइकोलॉजी पैडागोजी आपने सीटेट के लिए पढ़ी थी वो एक स्विमिंग पूल था, लेकिन ये जो पैडागोजी साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे इट विल बी एन ओशियन, ये आपके लिए एक ओशियन होगा। और ये पैडागोजी सिर्फ सब्जेक्ट पैडागोजी नहीं होगी, ये ओवरऑल पैडागोजी एक अलग सब्जेक्ट है दोस्त। और इन 100 नंबर में से लगभग 70 मार्क्स का अकेला ये पैडागोजी आता है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। इसी के अंदर NIOS को घुसेड़ दिया गया था और स्टूडेंट का बहुत ज्यादा जो डिपेंडेंट थे ट्रेडिशनल तरीके से तैयारी के वो उलझ गए थे।
अब जो 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है दोस्तों, यहाँ पर साइकोलॉजी कितने की आएगी, 30 की। पैडागोजी और साइकोलॉजी में क्या फर्क है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल क्लियर तरीके से। आप टॉपिक देखते ही बता देंगे इट इज रिलेटेड टू पैडागोजी और इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी। दोस्त ये जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ये होती है पूरी की पूरी साइकोलॉजी टॉपिक आपका, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आते हैं। आप अब सोच रहे होंगे कि ये साइकोलॉजी तो हमने जो है सीटेट की तैयारी में पढ़ ली तो वही सब चीजें आएंगी, तो यहां पर भी आप मार खाएंगे। देखिए साइकोलॉजी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे आप सीडीपी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें पैडागोजी भी आप सीटेट में करते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट होती है, लेकिन ये वास्ट है। लेकिन साइकोलॉजी के अंदर बच्चे का जो विकास है वो सिर्फ 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है, तो सीटेट की साइकोलॉजी है उसकी वैल्यू सिर्फ 5 या 6 नंबर की है। ये पैडागोजी और साइकोलॉजी के अंदर ही जो स्ट्रॉन्ग होगा वो पीआरटी के अंदर सिलेक्शन लेकर जाएगा। अब आप तुक्के मार देते हैं सीटेट में, लेकिन यहां पर 0.25 यानी कि 54 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आप तुक्के नहीं मार सकते, आपको शोर शोक तरीके से जो आंसर आते होंगे उन पर ही निशान लगा कर आने होंगे। दोस्त सिलेक्शन कितने नंबर पर निकल आता है अगर आप रियलिस्टिक तरीके से देखें तो यहां पर दोस्त जैसे आपने देखा होगा सीटेट में 132 140 नंबर 142 नंबर इतने नंबर स्टूडेंट लेकर आते हैं, इतने यहां पर इसमें नहीं दिखेंगे क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। और दोस्त एक चीज आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप D++B की तैयारी करें तो आप ऐसी जगह से करें जहां पर एक ही तरीके की घिसी पिटी चीजें ना करवाई जाती हो। और दोस्त एक चीज याद रखना कि ये जो पैडागोजी का सेक्शन होगा दोस्त, इसके अंदर MIOS की चीजें भी मैं आपको कराऊंगा, उसके अलावा जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं पैडागोजी की जो हर जगह आपको मिलती है वो भी इसके अंदर होगी। और उसके अलावा दोस्त मेरी कुछ सीक्रेट जो है कंटेंट होगा मेरा, उसके अंदर मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज, उसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि जो पैडागोजी का सेक्शन होता है उसमें वो चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं जो डाइट के दौरान करवाई जाती है, यानी कि जिन्होंने रेगुलर डाइट कर रखी है उनको जो पूरे 2 साल के अंदर सारी चीजें करवाई जाती हैं उनके अंदर से बहुत चीजें आती है। तो जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो बुक्स हैं और उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वो भी मैं करवाने वाला हूं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इनका चार्ज कितना होगा आपसे इन सब चीजों के लिए अभी से ही आपको फंसाना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि जब तक वैकेंसीज आएगी ना दोस्तों उससे पहले ही आपको उलझाने की कोशिश की जाएगी कि जल्दी से परचेज कर लीजिए चीजें। क्यों? क्योंकि आप पहले ही परचेज कर चुके होंगे, बाद में आप उन चीज को मना नहीं कर सकते जिसमें आप पैसे डाल चुके हैं, तो आपको वहीं से पढ़ना होगा और सिलेक्शन आपका फिर भी निकलना पक्का नहीं होगा। वेयर इज माई पेन, ये रहा। तो दोस्त याद रखना ये जितने भी आपकी तैयारी होगी पेपर 1 की या पार्ट 1 की और पार्ट 2 की हम दोनों करेंगे। सबसे पहले मैं पार्ट 2 को शुरू करूंगा और पार्ट 1 के उन 5 सब्जेक्ट में से ऐसा एक सब्जेक्ट शुरू करूंगा, उसकी नोटिफिकेशन उसकी बात भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या नई वीडियो बना के बता दूंगा कब से तैयारी शुरू करेंगे। दोस्त एक चीज जो मैं आपको यहां पर समझा रहा था वो ये समझा रहा था, याद रखना कि जो आपका पार्ट 1 है और जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 1 में आप मानकर चलो कि आपने 100 में से नंबर ले लिए 60 और आपने यहां पर ले लिए पार्ट 2 के अंदर मान लीजिए 100 में से 70, तो आपके मार्क्स आ गए 130, तो आपके चांस है 100% दोस्त 110 से अबव अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो आप हमेशा हंट के अंदर रहते हैं, 140, 130, 135 इतने नंबर नहीं पहुंचते हैं दोस्त, 110 प्लस नंबर में आप हमेशा हंट में रहेंगे। ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि दोस्त यहां पर नेगेटिव मार्किंग की वजह से स्टूडेंट गलती बहुत करते हैं और जो ट्रेडिशनल चीजें वो पढ़ते हैं वो एग्जाम में आती नहीं है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि सीटेट को 10 दिन की तैयारी में, 15 दिन की तैयारी में, 30 दिन की तैयारी में लोग जिनका बेस स्ट्रॉन्ग है वो निकाल सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इस एग्जाम में। सिर्फ आप क्वेश्चंस के दम पर नहीं निकाल पाओगे, आपको अगर कंटेंट नहीं पता है, अगर आपने डाइवर्स मल्टीपल कंटेंट नहीं किया किसी भी टॉपिक को लेकर,
तो आप कितने भी क्वेश्चन ट्राई कर लो दोस्त, आप एग्जाम को नहीं निकाल पाओगे, ये मैं गारंटी देता हूं। दोस्त कुछ लोग अपने ओवर कॉन्फिडेंट में आप लोगों को इतनी गलत सलाह देते हैं जिससे आपकी पूरी तैयारी की ही जो है डायरेक्शन बदल जाती है। दोस्त यू आर दी वन हु कैन करेक्ट दिस एग्जाम, तो आपकी तैयारी आपके अराउंड रिवॉल्व होनी चाहिए। तो दोस्त आपकी तैयारी के अंदर आपको कम से कम 4 आवर्स देने पड़ेंगे इस पूरी तैयारी में। क्यों देने पड़ेंगे 4 आवर्स? इसलिए देने पड़ेंगे दोस्त क्योंकि इसमें कंपटीशन आपका आपसे नहीं है, दूसरे लोगों से है। इस पूरी भीड़ के अंदर जितने लोग अप्लाई करेंगे, आपको जब वैकेंसीज आएंगी तो मैक्सिमम 2 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा, डी ट्रिप्लेस भी इतना टाइम नहीं देता है। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो मेरे साथ मिलकर, और इसके लिए आपको फ्री चीजें मैं आपको दूंगा। अभी तो सिर्फ मैं वीडियोस आपको फ्री दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, ये सारी चीजें भी मैं फ्री दूंगा आपको। आपकी बार इन कोचिंग सेंटर को उखाड़ के फेंक देंगे। डी ट्रिप्लेस बी इज माई प्ले ग्राउंड, ये डी ट्रिप्लेस बी है दोस्तों, जिस एग्जाम ने हमारे इस चैनल को जन्म दिया था, और जब से ये एग्जाम गया है दोस्त लोग हमें भूलने लगे हैं। लेकिन घायल शेर जो होता है ना दोस्त, वो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्त दोबारा से हम जो है उसी चीज को शुरू करेंगे जिस चीज की वजह से मैं आप लोगों के सामने आ पाया। डी ट्रिपल एस बी को उखाड़ फेंकेंगे और मैं आप लोगों को सारी चीजें फ्री में कराने वाला हूं। जो 5 सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं और जो 2 सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं, दोनों को मिलाकर 7 सब्जेक्ट जो 200 नंबर के हैं, वो सारे के सारे मैं आपसे आपको कराने वाला हूं। आप लोगों के लिए टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा। कब टाइम टेबल मैं बनाऊंगा? कल। इसीलिए कल रात को आपके साथ हम किस तरीके से तैयारी शुरू करेंगे उसका पूरा आपके साथ टाइम टेबल शेयर किया जाएगा। 2 चीजें मांगता हूं आपसे। पहली चीज है कॉपी बना लो, शुरुआत से ही आप मेरे साथ लगे रहो दोस्त। जब वैकेंसीज निकलेंगी ना, मैं आप लोगों को इतनी आगे ले जाकर खड़ा कर दूंगा भीड़ से, आप लोग खुद ये महसूस करेंगे सर आज वैकेंसी निकली है, लोग पूछ रहे हैं तैयारी कब से शुरू करोगे। उस टाइम पर बहुत लोग आएंगे कि सर तैयारी कब शुरू करोगे, वैकेंसी आ गई हैं। यू विल लाफ एट देम और बोलोगे हमने तो पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। दोस्त मैं इन सब चीजों से निकल चुका हूं। ये जो पूरा YouTube का गेम है, ये जो पूरा एग्जाम माफिया का गेम है, इन सब से मैं बहुत ऊपर उठ चुका हूं। मैंने हर एक चीज को एक्सपीरियंस किया है, इनके बीच रहकर भी, इनसे अलग रहकर भी, और इनसे अकेला लड़कर भी, और बिना किसी सपोर्ट के भी। मैंने ऐसा भी टाइम देखा है जिसमें स्टूडेंट मेरे साथ नहीं रहे सीटेट के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वहां पर किसी भी चीजें आती हैं और उन्हें लगता है कि जो टीचर कहते हैं वही आएगा। लेकिन यहां पर डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम को देखने के बाद उन्हें पता लगेगा कि जो हम सेल्फ स्टडी से नई चीज पता करते वही एग्जाम में आ रही है, डीसीपीटी चीजें डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में नहीं आती। तो दोस्त आपका साथ मुझे चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपको लेकर जाऊंगा डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम के पास। और दोस्त कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिलेंगे जो मुझे बोलेंगे सर आप खुद ही अपनी तैयारी जो है इसको छोड़कर आप खुद उस डायरेक्शन में क्यों नहीं जाते? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी अ किंग, आई वॉन्ट टू बी अ किंग मेकर। और मुझसे आप पूछते हो आपने कितने एग्जाम क्लियर किए, आप मुझसे ये पूछो मेरे पिछले एग्जाम्स जो मैंने बच्चों की हेल्प की उसमें मेरे स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर किए। मैं वो टीचर नहीं हूं जो आप लोगों के सामने यहां पर मैं मार्कशीट शेयर करता फिरूं। मैं वो टीचर हूं जो किसी एक बच्चे के दिल में भी कभी याद रह गया कि हाँ उसकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था। ऐसे मैं बहुत सारे स्कूल्स में जब जाता हूं तो मुझे टीचर मिलते कि सर आपकी वीडियो हमने 2 साल पहले देखी थी और आज हम जो है अपनी जॉब कर रहे हैं। उन्हें इतना टाइम नहीं है कि वो यूट्यूब पर आकर कमेंट कर सके कि दिस वॉज द गाय हु हेल्प्ड अस। तो दोस्त जो मेरा टारगेट है, जो मेरा सुकून है, वो बहुत अलग है दोस्त। मैं भीड़ नहीं, मैं आपको चाहता हूं और आपके लिए दोस्त मैं खून पसीना सब कुछ एक करने को रेडी हूं। क्योंकि दोस्त डी ट्रिपल एस बी के लिए मैं आप लोगों को जो कंटेंट कराऊंगा दोस्त, वो आप लोगों को खुद ये फील करने के लिए मजबूर कर देगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और मेरे साथ मिलकर दोस्त आप लोग किसी बुक के, किसी एक स्पेशल वीडियो के, किसी भी चीज के मोहताज नहीं रहोगे। बस मुझे आपका साथ चाहिए। आर यू विद मी? नीचे कमेंट करके बताना। और इसके अंदर आगे बुक्स की वीडियो, उसके आगे किस तरीके से हम एग्जाम के लिए जो हमारे 7 सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस शुरू करेंगे, कल बिल्कुल कल आपके साथ प्लान शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्त, क्योंकि बैक टू स्कूल पर आकर ये वीडियो जब मैंने आप लोगों के सामने बनाई है दोस्त, I can't express my feelings। मैं अपनी भावनाएं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं कितना मोटिवेटेड हूं।
ये वो प्लेटफॉर्म है दोस्त जिसने मुझे पहचान दी, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दोबारा से बाउंस बैक कर सकूं। दोस्त अगर आप लोग नहीं होते ना, तो जब मेरे साथ ये मिसहैप हुआ था इस चैनल के साथ, तो मैं बहुत जल्दी ही हार मान लेता। लेकिन मैंने दूसरा चैनल बनाया वीआईपी एकेडमी, जहां पर मैं टेट एग्जाम्स की तैयारी अभी भी करवाता हूं, और मैंने फिर बाउंस बैक किया इस चैनल पर। ये किस लिए पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ आप लोगों की वजह से। कुछ ऐसे स्टूडेंट अभी भी थे जो मेरे साथ मिलकर पिछले एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी पहली शिफ्ट थी जिसमें गेम चेंज हो गया था। लेकिन अब तक वो मेरे साथ है, और जैसे ही मैंने पहली वीडियो बनाई डी ट्रिप्लेस बी की, आप लोगों ने जो उसका रिस्पांस दिया, जब मैंने बोला कि मैं आपकी तैयारी शुरू करने वाला हूं, तो उसमें आपका रिस्पांस देखकर दोस्त जो मुझे मोटिवेशन मिला, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसको कोई छू नहीं सकता उस मोटिवेशन को। क्योंकि दोस्त मैं उस चीज को समझा कि आप लोग कोर्सेज खरीदने के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं आए थे, यू आर फोर्स्ड टू बाय दिस कोर्सेज। और दोस्त मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ दोस्त, चाहे मुझसे 10 लोग जुड़े, उसमें से 8 लोगों का भी सिलेक्शन हो गया, तो दोस्त मुझे जो सुकून मिलेगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। दोस्त मैं दिन रात एक करने वाला हूँ कल के बाद, क्योंकि कल आपके साथ शेयर हो जाएगा पूरा प्लान। क्या आप लोग रेडी है? नीचे कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को आपकी तरह दोस्तों तक फैला दीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, बहुत हो गया इधर उधर की बातें, अब करेंगे सीधी काम की बातें। क्योंकि अब की बार का जो मौका होगा उसे हम चूकने नहीं वाले हैं, और अब की बार हम जिस तरीके से तैयारी करेंगे आग लगाने वाले हैं यूट्यूब पर। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। कुछ कहना हो, कुछ दिल में हो, सुनने वाला हूं मैं, कमेंट कर दीजिए दिल खोल के।